हरियाणा में राहुल गांधी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी पल्लव देव ने जो सवाल उठाए थे उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नसीहत दी है, जवाब दिया है। हुड्डा का कहना है कि पल्लव देव नॉर्थ ईस्ट स्टेट को देखे जहां क्या हो रहा है। मणिपुर में हुई घटना से देश शर्मसार हो गया। हरियाणा में राहुल गांधी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी पल्लव देव ने जो सवाल उठाए थे उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो हरियाणा में राहुल गांधी के आने को लेकर सवाल उठा रहे हैं वह गलत है। पल्लव देव को हरियाणा के बारे में ना सोचकर नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर में हुई घटना से पूरा देश शर्मसार है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस चक दे इंडिया करेगी, बीजेपी के लोग तो फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसलिए कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला की जनसभा में हुए हंगामे को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले कि किसी भी व्यक्ति को किसी जनसभा को खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। बड़ी शर्मनाक घटना हुई है और पूरा देश शर्मसार है। जो हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया है, कल रणदीप सुरजेवाला का कार्यक्रम था उसमें एक व्यक्ति की पिटाई की गई है, इस पर क्या है? मेरे को कारण नहीं पता, नहीं क्यों की है, क्या कारण, कौन था, मैं अखबार में पढ़ा है वो कहता किसी शराब पी रखी थी या क्या कहता, असली खबर भी पता नहीं। लेकिन किसी की भी जनसभा में कोई विघन डालना, कोई जब से राहुल गांधी आए हैं तब से हरियाणा में बाढ़ आई है, जब से वो यहाँ आए हैं जब से वहाँ क्या हो रहा है भाई नॉर्थ ईस्ट में, ये बंदे देखे ना अपना देखे जाके वहाँ क्या हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ के मामले को लेकर भी हरियाणा सरकार पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में 10 फीट तक पानी भरा हुआ है और वहां पर अगली फसल भी बोने की कोई उम्मीद नहीं है, और ऐसे में सरकार पोर्टल पर नुकसान दर्ज करने की बात कर रही है जो किसानों के साथ भद्दा मजाक है। क्या सरकार को किसानों का नुकसान दिखाई नहीं दे रहा? वहाँ लाखों एकड़ जो है फसल बर्बाद हो गई, कई धानिया पूरे पूरे गाँव डूब गए, ट्यूबवेल के जो कोठे थे वो डूब गए, पशुओं के लिए चारा नहीं है, तो राहत तेजी से करना चाहिए। और जो जितना 8-8, 10-10 पानी खड़ा है, जो 100% खराब होगी फसल, और जिस हिसाब से पानी खड़ा है लगता है अगली फसल भी नहीं बो पाएंगे, तो वो वहाँ कम से कम 40,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए, जिसके मकान खराब हो, मकान निर्माण के लिए, पशु के लिए और पशु चारे का इंतजाम करना चाहिए, और जो भी राहत है वो तुरंत देनी चाहिए सरकार को। मैं वहाँ होके आया हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब हरियाणा और दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा अगर ये सरकारें पहले ही बाढ़ को लेकर प्रबंध कर लेती तो किसी भी राज्य में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा नहीं होती। रोहतक से देवेंद्र शर्मा, टोटल न्यूज़।